हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल, माय व्यूअर्स। तो गाइस, अभी यहाँ पे जो रीडिंग मैं करूँगी आप लोगों के लिए, उसका टॉपिक है आपकी शादी कब होगी, कब तक हो जाएगी आपकी शादी, तो कौन से महीने में आप शादी करोगे, कौन से तारीख में आप शादी करोगे, कितने साल के अंदर आप शादी करने वाले हो, सब कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में तो बताऊंगी ही बताऊंगी। उसके साथ यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी आपके होने वाले हस्बैंड या फिर आपके होने वाली वाइफ के बारे में, माय व्यूअर्स। ठीक है, तो गाइस ये रीडिंग टाइमलेस रहेगा, जनरल रीडिंग भी है, मेल्स फीमेल्स हर कोई मेरी इस रीडिंग को जब चाहे जितने बार चाहे आप लोग देखना चाहो देख सकते हो, सुन सकते हो, रेफर कर सकते हो माय व्यूअर्स। ओके, और गाइस मेरे जितने भी प्रीवियस रीडिंग्स रहते हैं वो भी टाइमलेस रहते हैं, जनरल रीडिंग रहते हैं, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम में पड़ते हो, करियर, लव, फाइनेंस या फिर मैरिज रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, री मैरिज रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल में आ जाना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एक रीडिंग को आपको सिलेक्ट करना है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक उसे देखना है, सुनना है, समझना है, सॉल्यूशन आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएगा माय व्यूअर्स। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है हमेशा आपको मेरा एक नया रीडिंग का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट जाओ, अपने हिसाब से रीडिंग को सिलेक्ट करो एंड सॉल्यूशन आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, और मेरे ब्लेसिंग्स तो है ही आप लोगों के साथ हमेशा। सो गाइस, आपकी शादी दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर जुलाई के महीने में होगी। चाहे आप कोर्ट मैरिज करो, डेस्टिनेशन वेडिंग करो या घर पे आपकी शादी हो रही है, दैट डजंट मैटर, लेकिन दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर जुलाई, यही महीने में ही आपकी शादी होगी। 4 तारीख को, 6, 10, 17, 25 या फिर 20 तारीख को ही आपकी शादी तय होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है 4 महीने में, 6 महीने में या फिर 10 महीने में ही आपकी शादी हो जाएगी। जिनके शादी की उम्र हो चुकी है उनके बारे में बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है आपकी शादी 4 साल, 6 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के अंदर तय है गाइस। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी शादी जिनके साथ होने जा रही है, आपके होने वाले हस्बैंड या फिर आपके होने वाली वाइफ, ये जो भी होंगे पर्टिकुलरली फायर साइन के ही होंगे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एज में मुझे फील हो रहा है, इंटुटिवली आई एम सीइंग दैट वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल से 6 साल के अंदर बड़े होंगे। ठीक है, 3 से 6 साल का एज गैप रह सकता है आपके स्पाउस के साथ आपका, और आपसे मैच्योर होंगे, दुनियादारी की समझ उन्हें ज़्यादा रहेगी और समझदार इंसान होंगे। ऐसा नहीं है कि ज़िद्दी बिगड़ैल टाइप होंगे, नहीं, वो समझदार हैं, मैच्योर हैं, लुक वाइज भी थोड़े मैच्योर दिखते होंगे। और एक चीज़ है कि प्लानिंग के साथ चलना उनका नेचर में रहेगा। ठीक है, फ्यूचर को देख के वो प्रेजेंट में सारे डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि जब आप उनसे मिलोगे ना उस दौरान वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, करियर उनका कमाल का चल रहा होगा, उनका नाम होगा जहाँ पे भी वो काम कर रहे होंगे ना, लोग उनको जानते होंगे बिकॉज ऑफ हिज और हर प्लानिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, रिस्क उठाते हैं आपका पर्सन, एंड एक चीज़ है कि ये पर्सन पहली नज़र में आपको पसंद कर बैठेंगे और वो प्रॉपर वे में आपके पास आएंगे, लाइक रिंग खरीद के या फ्लावर्स या चॉकलेट्स लेके आपको प्रपोज करने के लिए आएंगे एंड अपना दिल का सारा बात आपको बताएंगे, दैट उन्होंने पहली बार जब देखा आपको उन्हें प्यार हो गया आपसे, एंड आपको फील होगा कि ये इंसान थोड़ा बाहर से खड़ूस है लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे आप खुद देखो, ठीक है, क्राइसिस का कार्ड आया हुआ है ना, तो ये क्राइसिस का कार्ड देख के आपको डरना नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये क्राइसिस मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, दिखा रहा है दैट फैमिली की साइड से हो सकता है, आइदर आपकी फैमिली या फिर आपके होने वाले स्पाउस की फैमिली थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लाइक मुझे लड़का पसंद नहीं आ रहा है या मुझे वो लड़की पसंद नहीं आ रहा है, लाइक दैट होता है घर पर में होता है। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि उनका बेटा बेटी को तो पसंद आ गया है, उसे उसके साथ रहना है, तो वो ये सोचते हैं कि हमें तो पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, चाहे जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, कोई ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जो जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काशी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका पर्सन जो है वो आपकी फैमिली या फिर उनकी खुद की फैमिली, जो भी फैमिली के साइड से प्रॉब्लम होगा उनको वो बातचीत करके सलटा देंगे, ठीक है, मना लेंगे। यहाँ पे कोई मुझे भाग के शादी टाइप सिचुएशन नहीं दिख रहा है, फैमिली मान जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होगा लेकिन मान जाएगी। इतना आप जान लो कि आपका पर्सन बाहर से नारियल की तरह सख्त है, थोड़े मैस्कुलिन टाइप के होंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, गुस्सा उनके चेहरे पे दिखता होगा लेकिन एक्चुअल में बहुत ही शांत, काम एंड काइंड हार्टेड टाइप के इंसान होंगे। ऊपर से ये भी है कि बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा लॉयल इंसान है आपके पर्सन, पिजन का कार्ड है आप देखो। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम आपके मैरिटल लाइफ में नहीं आएगा, आपके मैरिज में कभी डिवोर्स नहीं होगा। और अगर आपके मन में डर रहता है कि यार मुझे घर वालों के अकॉर्डिंग शादी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपका लव मैरिज ही लिखा है, शादी आपकी खुद की सहमति से होगी, आप लव मैरिज करोगे। आपके पर्सन के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बाल उनके बहुत खूबसूरत होंगे, घने होंगे, ठीक है, छोटे हो बड़े हो लंबे हो जैसे भी हो लेकिन घने होंगे और बेहद खूबसूरत सिल्की सिल्की वाले बाल होंगे उनके। लोग इनकी रेस्पेक्ट करते होंगे, फाइनेंशियली ये स्टेबल होंगे, ऊपर से इमोशनली भी ये स्टेबल होंगे। गुस्से को कैसे कंट्रोल में रखना है इन्हें आता होगा, ऊपर से डीप थिंकर है। मैंने बोला था ना, वो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे एंड प्रेजेंट में वो डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। ऊपर से ये इंसान प्रेजेंट में जीना पसंद करता है, पास्ट के बारे में सोचना, सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करना प्रेजेंट में, ये उनका लाइफ का मोटो है ही नहीं, ठीक है। इनका एक ही मोटो है दैट प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर सिक्योर होगा, ठीक है। और ये गिला शिकवा नहीं रखते हैं, कोई भी सॉरी बोलता है किसी भी रीज़न का, एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ, कोई भी इनको हर्ट किया होगा पास में और आके सॉरी भी बोल देना तो ये माफ़ कर देते, मतलब ही जस्ट सी, मतलब ये बोलते हैं कि चल छोड़ जा रहे थे मुझे वो सब पास की बात याद कर ही नहीं है, तो ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। ऊपर से थोड़े इमोशनल हैं गाइस, मैं ये बता दूं, जो कि वो छुपा के रखते हैं, अपने इमोशन जाहिर नहीं करते हैं, रोना भी है तो अकेले जाके कहीं पे रोते रहते होंगे, और मतलब अपने दर्द को वो दिखाते नहीं हैं। सिर्फ इनका दर्द आपके सामने दिखेगा, आपके सामने खुल के बोलेंगे सब कुछ बातचीत, ठीक है। और खाना बनाने का शौक रह सकता है इनको, या फिर सिंपली इन्हें दूसरों को खाना खिलाने में ना बड़ा मज़ा आता होगा, खुशी मिलती होगी। और मतलब अगर ये खाना बनाने में माहिर है ना, तो गाइस शादी के बाद आप तो उंगलियां ही चाटते रह जाओगे अपना, इतना अमेजिंग यमी यमी खाना बनाते हैं ना ये। बस ये बोलेंगे कि तुम बैठो मैं बनाता हूँ या मैं बनाती हूँ खाना आज, ठीक है, साथ में खाएंगे, साथ में डिनर करेंगे, लाइक दैट। तो आपका मैरिटल लाइफ ये कमाल का दिख रहा है माय व्यूअर्स। उनका नाम का, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम या फिर उनका निक नेम का जो पहला अक्षर रहेगा वो ZONT जी या फिर एक्स से शुरू होता होगा माय व्यूअर्स, ओके। उनका नाम यूनिक साइड से होगा, बहुत रेयर नाम होगा, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ मैं, यामी गौतम का नाम आपने सुना होगा, तो यामी, ठीक है, बहुत ही यूनिक नेम है। जैसे कि और एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोली हूँ पूजा, ठीक है, ये इतना कॉमन नेम है कि कहीं पे भी खड़े होकर आप चिल्ला दो ना, दो चार पूजा आ जाएंगे, ठीक है। मैं किसी का नाम का बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि जैसे कि पूजा एक इतना कॉमन नेम है ना, और यामी इतना यूनिक नेम, तो आप डिफरेंस समझ सकते हो। तो वैसा ही इनका यूनिक साइड से होगा, बहुत ही रेयर नाम होगा इनका, जो कि बहुत कम लोगों का ऐसा नाम हो सकता है, ठीक है।
और क्या ही बोलूँ, यहाँ पे मुझे जितना दिखा मैंने सब कुछ बता ही दिया है आपको। हाँ, और एक चीज़ है, इनका लिमिटेड लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इनका फर्स्ट लव आफो, मतलब इन्होंने अपने लाइफ में कभी प्यार किया ही नहीं होगा, आप इनके पहले एंड आखिरी प्यार हो, ऐसा मुझे लिमिटेड लोगों के लिए दिख रहा है। आई थिंक 30% लोगों के लिए होगा। ओके तो गाइस, ये था रीडिंग आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरे जो रीडिंग्स होते हैं वो पसंद आते हैं, रेजोनेट करते हैं, खुशी मिलती है आपको सुन के, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ढेर सारी न्यू न्यू टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग्स करूँगी जस्ट टू हेल्प यू ऑल गाइस। सो टेक केयर एंड बी सेफ, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय, नमस्ते।